जी, मैं हूं बीएस और आप देख रहे हैं बीएस फिल्म्स प्रोडक्शन। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिविंची रिजोल्व के अंदर हम स्पीड रैंपिंग कैसे करते हैं। स्पीड रैंपिंग हम ईडीएस में भी करते थे, प्रीमियर में भी, डिविंची रिजोल्व में भी। तो मैं यहां से डिविंची रिजोल्व को ओपन कर लेता हूं। यहां से मैं कोई भी वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली वीडियो ला के मीडिया पूल में छोड़ देता हूं। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट अ न्यू टाइमलाइन कर लूंगा, क्रिएट। ये आप देख सकते हैं न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो गई है हमारी। कट में अगर हम जाते हैं तो कट के अंदर आपको यहां पर ये नीचे वाली टाइमलाइन के अंदर आपको फ्रेम बाय फ्रेम जूम के अंदर टाइमलाइन दिखाई दे रही है एक एक फ्रेम के हिसाब से, और ऊपर वाली टाइमलाइन के अंदर जितनी इसकी ड्यूरेशन है वो पूरी ड्यूरेशन फिल के हिसाब से आपको दिखा रही है। हम आगे चले जाते हैं एडिट पैनल के अंदर। एडिट पैनल के अंदर भी टाइमलाइन के ऊपर ये हमारी वीडियो ऑटोमेटिकली पड़ी हुई है इधर। तो मैं इसको स्टार्ट से पहले तो इसकी ऑडियो को मैं अनलिंक करके इरेज कर देता हूं, और उसके बाद अगर हम स्टार्ट से वीडियो को प्ले करते हैं यहां से स्टार्ट हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे साथ में स्क्रॉल कर देता हूं और दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखता हूं। ये ऑलरेडी स्लोमो में शूट हुई हुई है। ये यहां पर कुछ सेकंड्स के लिए ब्लर हो गया सीन। देख रहे हैं यहां पे फिर से वैसे ही हुआ। और यहां तक क्लिप हमारा तकरीबन ओके है। अब इसके ऊपर अगर हमें करनी है स्पीड रैंपिंग, अगर यहां से इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी टाइमलाइन जितनी है उसके अंदर मेरी वीडियो को पूरा फिल करके दिखा दिया गया है। ये इसके अंदर कुछ शॉर्ट्स की हैं, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरी टाइमलाइन आ जाएगी। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे प्ले हेड के हिसाब से हमें जूम करके दिखाएगा। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ड्यूरेशन के हिसाब से एक पैनल बन के हमारे सामने आ जाएगा। तो इसके ऊपर अगर हमें स्पीड रैंपिंग करनी है, वीडियो के ऊपर लाकर कर्सर से राइट क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। इस पेज के ऊपर अगर आप आए तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रीटाइम कंट्रोल, और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल आर। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक बार नई वाली बार ओपन हो जाती है। अगर राइट क्लिक करके फिर से इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाती है। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल आर करते हैं तो ये हमारी नई वाली बार शो हो जाती है। फिर से अगर कंट्रोल प्रेस करके रखें और आर प्रेस करेंगे तो ये वाली बार फिर से ही डन हो जाएगी। आप शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं और वीडियो के ऊपर ला के माउस से लेफ्ट क्लिक करके रीटाइम कंट्रोल के ऊपर क्लिक करके ये वाली बार शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी यहां से वीडियो चली और यहां से ब्लर होनी स्टार्ट हुई। यहां पर अगर आप देखें तो इस बार के अंदर ये इसकी स्पीड दिखाई दे रही है वीडियो की। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां से एड स्पीड पॉइंट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरा एक पॉइंट लग गया। और उसके बाद मैं अगर आगे इसको पकड़ के यहां से मूव करता हूं तो यहां तक मैं इसकी स्पीड फास्ट करना चाहता हूँ, मान लें यहाँ तक। मैं यहाँ पर ला के फिर से इसके ऊपर ला के लेफ्ट क्लिक करूँगा, ऐड स्पीड पॉइंट कर दूंगा और फिर से मैं इसको माउस से पकड़ के आगे की तरफ लेके चलूँगा तो यहाँ से फिर से ये ब्लर हो रहा है। मैं यहाँ पे स्पीड ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर फिर से लेफ्ट क्लिक करके रखूँगा, ऐड स्पीड पॉइंट लगा दूंगा और फिर से प्ले हेड को पकड़ के मूव करूँगा लास्ट। तो ये हमारे पॉइंट्स लग चुके हैं। अगर इन पॉइंट को मैं ऊपर से पकड़ता हूं, ऊपर वाली साइड से पकड़ के इसको पीछे वाली साइड पे मूव करूंगा तो ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे इसके अंदर ना पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये वाले कुछ क्लोजली होते जा रहे हैं, ये इस क्लिप की स्पीड फास्ट होती जा रही है, स्पीड बढ़ रही है इस क्लिप की। अगर मैं इसको इस तरफ खींचता हूं तो ये हर दो पॉइंट के अंदर आपको स्पीड दिखाई दे रही है। ये इस पॉइंट से इस साइड वाले एरिया के अंदर स्पीड आपकी 100 है और ये दो पॉइंट्स के अंदर वाले क्लिप की स्पीड 100 से अबव हो चुकी है। अगर हम इसको पकड़ के इस तरफ मूव करेंगे
तो इसकी स्पीड ये देखें, इस तरफ फास्ट हो रही है और इस तरफ स्लो हो रही है। तो फिलहाल ये हमारा क्लिप नॉर्मल स्लो में शूट हुआ हुआ है, तो इसको मुझे फास्ट करना है, तो मैं इसको पीछे की तरफ मूव करूँगा, तो ये स्पीड फास्ट हो रही है। और अगर इसी पॉइंट को मैं नीचे से पकड़ता हूँ, नीचे से पकड़ के अगर मैं मूव करूँगा, तो ये स्पीड को नहीं पॉइंट को इस तरफ मूव कर रहा है। जो सिलेक्शन हमने पॉइंट लिया हुआ था वीडियो का, अगर हमें आगे पीछे करना पड़ जाए तो हम नीचे से पकड़ के अगर इसको मूव करेंगे तो हमारा पॉइंट मूव होगा आगे पीछे की तरफ। मैं इसको फिर से कंट्रोल जी कर देता हूँ, अगर ऊपर से पकड़ के मूव करता हूँ तो ये स्पीड के अंदर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, मैंने इसकी स्पीड 300 कर दी। अगर मैं इसको पीछे करके दोबारा से प्ले करता हूँ, देखें ये ऑलरेडी स्लोमो में वीडियो चल रही है और जैसे ही इस क्लिप के ऊपर आई फास्ट होके एकदम से फिर स्लो हो गई। तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ी और फास्ट हो जाए, मैं इसको और थोड़ा करीब, ये आप देख सकते हैं बगैर कट किए हमारी वीडियो के सेंटर वाला पॉइंट स्पीड तेज हो गई है। अगर आप किसी क्लिप के अंदर बगैर कट लगाए कुछ पार्ट्स फास्ट करना चाहते हैं और कुछ पार्ट्स स्लो करना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पीड रैंपिंग। बहुत ही इजी सी चीज है, अच्छे से समझ जाएंगे। और इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा दिमाग को उलझाने वाला है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। इसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ जाए तो फिर नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे। अगर मान लें हमें ये काम करते हुए कुछ पीछे वाले पार्ट के अंदर करना था, यहाँ से मान लें अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे क्लिप फास्ट करना है, मैं यहाँ पर लाकर कर्सर को, अब ये देखें मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर स्पीड्स दिखाई दे रही हैं। अगर हमें किसी हिस्से के अंदर कोई वर्क करना है तो उस हिसाब से हम पार्ट्स के अंदर पॉइंट ऐड करेंगे। अगर हमें इधर पॉइंट ऐड करना है तो हम इधर से कहीं से भी पॉइंट ऐड नहीं करेंगे, हम इस वाले पार्ट के अंदर आएंगे और इसकी स्पीड से पॉइंट ऐड कर देंगे। तो ये देखें इसके अंदर एक नया पॉइंट ऐड हो चुका है, और यहाँ पर ला के फिर से हम अगर इस साइड पे करेंगे इधर ला प्ले हेड, तो इधर से पॉइंट ऐड करेंगे, अगर इस साइड पे ऐड करना है प्ले हेड तो इस साइड पे ला के ऐड करेंगे। ये आपको वैसे ही समझ में आ चुका होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। और ऊपर से अगर पॉइंट को पकड़ के आप मूव करते हो तो ये स्पीड के अंदर डिफरेंस लाता है, अगर नीचे से पकड़ के मूव करते हो तो ये पॉइंट्स की पोजिशन को आगे पीछे करता है। मुझे लगता है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मैं इसको दोबारा से प्ले करके देखता हूँ, ये आप देख सकते हैं एकदम से क्लिप स्लो चल रहा था, स्लो चलते चलते एकदम से फास्ट हो गया और फिर से स्लो हो गया। और आगे चलते हैं, हमारा यहाँ से क्लिप फिर से यहाँ तक मैं एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ और इसको पकड़ के ऊपर से पीछे की तरफ मूव कर देता हूँ, तो इसकी स्पीड फास्ट हो चुकी है। मैं रिटर्न आ जाता हूँ यहाँ से, इस क्लिप को पकड़ के ये वाला क्लिप ऐड कर लेता हूँ और ये वाला इरेज कर देता हूँ। इसको पकड़ के क्रिएट अ न्यू टाइमलाइन कर लेते हैं। क्रिएट अ न्यू टाइमलाइन करने के बाद हम एडिट पैनल के अंदर आ जाते हैं। एडिट पैनल के अंदर ये हमारा क्लिप स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो इसको मैं थोड़ा इसके साथ रोल कर देता हूँ। रोल करने के बाद इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड को अगर हम नॉर्मल कर लेते हैं, ये स्लोमो शूट हुआ है 4x के ऊपर, 4x की जो स्पीड होती है, अगर यहाँ से मैं शॉर्ट की प्रेस करूँ, सिंपल R प्रेस करूँगा तो मेरे पास इसकी स्पीड रेशियो आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी ये आपको स्पीड दिखाई दे रही है, चेंज क्लिप स्पीड। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये 100 है, इसको हम 400 कर देते हैं। 4x के ऊपर शूट हुआ है तो 400 करेंगे तो ये नॉर्मल स्पीड के अंदर चेंज हो जाएगा हमारा क्लिप। ये आप देख सकते हैं ये नॉर्मल स्पीड हो चुकी है। और अगर अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसका रीटाइम कंट्रोल ऑन करता हूँ, रीटाइम कंट्रोल ऑन करके यहाँ से मैं चाहता हूँ इसका क्लिप स्लो स्पीड हो जाए, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, स्पीड पॉइंट ऐड कर देंगे और यहाँ तक स्लो और फिर से फास्ट। इसके ऊपर मैं फिर से राइट क्लिक करूंगा और स्पीड रैंप ऐड कर दूंगा। इसके बाद इसको अगर मुझे इस स्पीड को स्लो करना है, यहां से ऊपर वाले पॉइंट को माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखूंगा और राइट साइड पे मूव करूंगा तो इसकी स्पीड स्लो होनी स्टार्ट हो चुकी है। आप यहां से मैं इसकी स्पीड 47 कर देता हूँ और दोबारा से क्लिप को प्ले करता हूँ, ये आप देख सकते हैं मैं इसकी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ
जेल्ज। अभी देखेंगे। बगैर कट किए आप वीडियो के किसी भी हिस्से से क्लिप को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।